You've been talking about patience, hoping for everlasting. So guys, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मरीन ड्राइव के यहां पे और आप देख, मेरा नाम आकाश गायकवाड़ है। मराठी मानो जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जाना मरीन ड्राइव में फुल मस्ती करने हो और देखने के, क्या बोलती पब्लिक वहाँ छे, वहाँ वानखेड़ा स्टेडियम छे अगाड़ी अपड़ो पछाड़ी। मतलब मेरा भी कैसा है ना, मतलब मेरा भी यही ड्रीम है कि मुझे सेलिब्रिटी बनने का। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे क्या बोल दिया हमारे भाई ने, बोल दिया कि इनको सेलिब्रिटी बनना है। बड़े हमारे पछाड़ी जो भैया वहाँ ना बहुत हंसा था, पता नहीं कहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको इधर आके। हम आए, मतलब हम किधर से आए, सावरकर नगर से आए। कहाँ से आए देखो, हे गाइज, आई लव टू ब्लॉगिंग इन मोर पीपल्स इन माई फ्रंट ऑफ साइड राइट एट बैक साइड, बट आई डोंट नो केयर की हुज पर्सन इज फ्रंट ऑफ यू, बट आई ओनली सी लव इन आई स्पीक इन ऑलवेज टाइम आई ब्लॉगिंग वीडियो बिकॉज आई लव टू ब्लॉग, आई लव ब्लॉग, आई लव टू माई यूट्यूब चैनल, आई लव टू आई लव टू सिर्फ यूट्यूब नथिंग। बट अब मैं जा रहा हूँ मरीन ड्राइव के यहाँ पे, क्या बोलती पब्लिक मचाने का ना, उल्टू मचाने का। अगर बरसात में अगर तुमने नहीं मचाया ना तो क्या मचाया, क्या बोलती पब्लिक। तो चलिए पब्लिक यहाँ बोलती, बट यहाँ पे अभी, बट यहाँ पे कार वगैरह आ रहे जा रहे, छोटा सा स्पेस ऐसा लगता है मैं गलत जगह पे आ गया। ठीक, ये हमारी पब्लिक मचा रही पीछे से, फाइनली मुझे यहाँ से रास्ता मिल गया, बट मैं दूसरी जगह से चला गया था, गलत था। देखो कैसे लग रहा है ब्रो, मुंबई में बरसात में घूमने घूम रहे हो तो अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। तो गाइस जैसे कि हमने अभी जैसे कि गिरगांव चौपाटी में मचा क्या है, ठीक उसी तरह अभी जा रहे हैं मरीन ड्राइव में मचाने के लिए, क्योंकि आज बारिश का दिन और बारिश के दिन में हम नहीं मचाएंगे तो कौन क्या बाजू वाला मचाएगा, चलो मचाने। तो गाइस अभी ऐसा लग रहा है ना कि बारिश का मौसम है ना, सिर्फ मचाने का ही वीडियो बनने वाला है और कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि आधी पब्लिक तो दिख रही है बट मुझे नहीं पता चल रहा कौन पब्लिक कहाँ दिख रही है, बट अभी मचाते जाओ सिर्फ। तो गाइस यहाँ पे टू व्हीलर, साइकिल, बाइक, कार, मर्सिडीज, पता नहीं कितने सारी टाइप की गाड़ी यहाँ से जाते हुए और मैं और मेरा यूट्यूब यहाँ से जाते हुए। तो गाइज मेरे जस्ट बाजू में ही है ये चंडी रोड स्टेशन, हम आ गए हैं और चंडी रोड स्टेशन के जस्ट बाजू में ही यहाँ पे नाना नानी पार्क है और यहाँ पे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, इसके वजह से यहाँ पे जाने का जो रास्ता है स्पेस कम हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम यूट्यूबर हैं भैया, हम कहीं ना कहीं जगह हम ढूंढ ही लेते हैं जाने के लिए, ठीक उसी तरह हमने यहाँ से भी रास्ता ढूंढ लिए। भैया आज मंडे बा, आज के दिन ना मचाए तो कोने दिन मचाए, तो आज तक मचाना हमके लिए बहुत ज़रूरी था, काहे कि भैया आज हम गए थे गिरगांव चौपाटी और गिरगांव चौपाटी से हम जा रहे हैं अभी मरीन ड्राइव, क्योंकि आज मंडे है और मंडे के दिन पब्लिक आए या ना आए बट राज सक्सेना जरूर वहाँ पे पहुँचेगा। तो गाइस जस्कूल ज़्यादा ना को बोलना है क्योंकि भूख लग जाएगा, पानी प्यास लग जाएगा, क्योंकि अपने को अभी बहुत सारे वीडियोस बनाना है, क्योंकि वीडियोस बनेंगे तभी कुछ हो पाएगा। पता है गाइस ब्लॉग वीडियो बनाने का ना एक बेनिफिट है, आपको चाहे कुछ भी कुछ बोल लो बट लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप स्टेज पर अगर आपको अकेला बुलाया जाए ना आपके दो पैर थरथराएंगे, कांप जाएंगे, बट लेकिन आप डर जाओगे। लेकिन गाइस अगर यही चीज़ें अगर आपने लाइफ में एक्सपीरियंस ले लो ना तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, जिंदगी यही बात है का नाम भी बात जिंदगी, तो क्या चाहिए भैया। चलो अब जाए हम मरीन ड्राइव। हमारे पछाड़ी जो भैया वहाँ ना बहुत हंसा था, पता नहीं कहा है, चला अगाड़ी जाए फटाफट। तो गाइस यहाँ पे रोड का डिवीजन करते हुए
वो रोड अलग हो गया, ये रोड अलग हो गया है, फिर मेरा भी रोड अलग हो गया यहाँ पे। क्योंकि गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, मौसम थोड़ा हरियाली मौसम बन गया है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइस आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे गाड़ी चलते हुए, यहाँ पे लोग चलते हुए, फिर भी हम चल रहे हैं आगे की ओर और चल रहे हैं मेरे साथ। अरे हमारा मायका निकल गया भैया यहाँ तक, कौन सोच रहा होगा लंबा मोबाइल करके चोर थोड़ी लोगा भाई, चोर कहाँ लेगा, चोर का पता हम खुद ही चोर हुआ तो चोर कहाँ लेगा, चोर नहीं लेगा। तो गाइस बहुत छोटा सा यहाँ पे स्पेस है, फिर भी मैं जैसे कि यहाँ से जा रहा हूँ और जा ही रहा हूँ अभी तक। मेरे पीछे वाले भाई साहब हंस रहे, बोल रहे क्या कर रहा है भाई, क्या करना है, कर ही रहे हैं ना जो करना है। तो गाइस मतलब गिरगांव चौपाटी मरीन ड्राइव काफ़ी समय मतलब काफ़ी टाइम हो गया अभी तो मैं पहुंच ही नहीं पाया मरीन ड्राइव के यहाँ पे। गाइस अभी कुछ दिन के बाद ना हमारा एक ब्लॉग वीडियो आएगा, वो भी आएगा तारापोरे वाला एक्वेरियम, मतलब महाराष्ट्र शासन तारापोर वाला मसाले मच्छी के ऊपर आएगा। मतलब वो ऐसा प्लेस होगा कि वहाँ पे आपको वर्ल्ड के बिगेस्ट बिगेस्ट स्मॉल आपको फिशेस दिखाई देंगे और उसका मैं ब्लॉग वीडियो कुछ दिन के बाद ही लेके आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस अब जा रहे हैं मरिंड्रा के पास। वाह गाइस व्यू काफ़ी खूबसूरत व्यू है, माशाल्लाह मज़ा आ गया देख के, अब क्या बोले इतना अच्छा व्यूज़ है यहाँ पे। वाह गाइस इसी रास्ते से मैं अभी चल चल के आ रहा था, ये रास्ता है जहाँ से आप मरीन ड्राइव या फिर आप वहाँ जा सकते हो। तो गाइस हमारे साथ एक भाई आए हैं, वो आज जस्ट गिरगांव चौपाटी घूम के आए और देखते हैं उनसे जानते हैं गिरगांव चौपाटी घूमने के बाद उन्हें क्या फील हुआ। तो ब्रदर और कहाँ से आए हो, क्या करते हो और आप गिरगांव चौपाटी में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको इधर आके, हम आए मतलब हम किधर से आए, सावरकर नगर से आए। कहाँ से आए? सावरकर नगर थाने से, थाने स्टेशन से आए। गाइस ये सिर्फ गिरगांव चौपाटी घूमने आए बट अभी ये जा रहे हैं मरीन ड्राइव घूमने के लिए, और यहाँ पे जब आए गिरगांव चौपाटी में कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे यूपी में तो समुद्र तो नहीं बा, सिर्फ नदियाँ बा, तालाब बा, वहाँ जाके गोछा कर दे नहा दे। यहाँ कौन नहाए, नहाए कि नहीं यहाँ? ना 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 ये नहाए भैया, एक बड़का भाई नहाया, वो देखा चंगड़ू बड़का भाई टिंग कर रहे वहाँ जाके ला, बड़का भाई नहाए, हम भी नहाए नहाए। और भैया तू नहाई? नहीं मैं भी नहीं नहाया। ये चंडू भी नहीं नहाया वहाँ पे, क्यों नहीं नहाया पता नहीं, बट हम लोग गांव में एंजॉय करते हैं। और ये हमारा छोटका भाई बा यहीं मिले तो भैया बोल दिए कि भैया हमके भी यूट्यूब बन बा। हाँ तू बन जाए चंगड़ू यूट्यूब, तोर चैनल बा ना तो तू भी बनाए अपने यूट्यूब ब्लॉग चैनल, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी। ओ चंगड़ू इंस्टाग्राम चला है, मतलब देसी चाहिए चंगड़ू को विदेशी नहीं का। मतलब कैसे आप मतलब आप यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हो ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे मेहनत। इंस्टाग्राम में क्या करते हो आप? मतलब वही वीडियो बनाते हैं, एक्शन वीडियो बनाते हैं, सॉन्ग पे वीडियो बनाते हैं, वही सब। पढ़ाई वीडियो कुछ कर रहे हो? हाँ पढ़ाई कर रहे ना। तो गाइस अभी छोटे हैं बट पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट इंस्टाग्राम में क्या नाम है थोड़ा बता दो हमारे यूट्यूब फैमिली को। इंस्टाग्राम पे रेहान05, रेहान05 उनका इंस्टाग्राम का नेम यही है। तो गाइस जाइए हमारे छोटे से भाई को जो थानेकर भाई है उनको सपोर्ट कीजिए। मतलब मेरा भी कैसा है ना, मतलब मेरा भी यही ड्रीम है कि मुझे सेलिब्रिटी बनने का। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे क्या बोल दिया हमारे भाई ने, बोल दिया कि इनको सेलिब्रिटी बनना है। बट इंशाल्लाह ऊपर से हम दुआ करेंगे जो हमारे भाई को बनना है वो बन जाएंगे। बट कुछ भी काम करो, कोई काम छोटा नहीं होता, छोटे से देखा हो सपना कोई बड़ा नहीं होता, तो बड़े के लिए बड़ा ठीक है ना छोटे। तो क्या बोलती पब्लिक मचाई से जाई से भाई ने सपोर्ट करे से और आई से। भाई यहाँ सुनो ना, एल एन टी कंपनी का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चालू है, इसी वजह से हमें मरीन ड्राइव नहीं मिल पा रहा है। बट ऐसा लग रहा है ना कहने का मरीन ड्राइव गायब हो चुका है, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट गिरगांव चौपाटी से पैदल ही चल चल के आए बट अभी तक हमें मरीन ड्राइव नहीं मिला। तो गाइस अभी जाते मरीन ड्राइव के यहाँ पे, तो चलिए। क्या बोलती पब्लिक वहाँ से, वहाँ वानखेड़ा स्टेडियम से गाड़ी आपड़ो पछाड़ी से अपने ने नाम छे शू थे ये नाम मनी ड्राइव नाम छे आज मले ये भने को भाई इसको नाम अलम जाना छे मनी ड्राइव माँ।
फुल मस्ती करने हो और देखने के होने होने रहो। सो गाइज आई विल बी हेयर इन मरीन ड्राइव। आई विल बी एक्सप्लोर टू ब्लॉग वीडियो दिस कंटेंट ऑफ मरीन ड्राइव। आई विल एक्सप्लोर दिस आई विल कंटेंट ऑफ मरीन ड्राइव। सो गाइज लेट मी सी और डोंट स्किप माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक्स कमेंट एंड वी शेयर टू विथ योर फैमिली फ्रेंड्स या अनदर एनी फ्रेंड्स। सो गाइज लेट बीट नाउ बरोबर था मित्र। आता अपन जाऊया मरीन ड्राइवला। समोरच मरीन ड्राइव है, तिकडे आपण फिरूया आणि तुम्हाला मी सांगणार आहे की मरीन ड्राइव कसं काय आहे आणि भेटूया एखादा नवा ब्लॉग व्हिडिओसाठी। तोपर्यंत आपला बघा हा मरीन ड्राइव ब्लॉग, मचाई से ब्लॉग आणि आपण आहे मुंबईकर ब्लॉग। आणि हा मित्र चालला सायकल घेऊन तिकडे रेसिंगला। काय करते तिकडे पुरं? ही गाडी ना, ती गाडी समोरची गाडी आली सांगते बरं, गाडी ही 40 गाडी संगती काली ही चालली बघा गाडी संगची। तो गाइस आज ना सॅटरडे है ना ये संडे है, फिर भी लोग यहाँ पे आए होंगे और गाइस मजा आएगा मचाई से, मचाई से गाइस, मचाई से। माय गॉड गाइस पब्लिक यहाँ पे भरू छे और फाइनली पब्लिक यहाँ पे दिख गई है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट है, कौन से टूरिस्ट तो कम ही रहेंगे, वो सब हमारे मुंबई कर ही रहेंगे यहाँ पे। सो गाइज अभी दिखा तो हमारे मुंबई कर यहाँ ही बैठे हैं और यहाँ पे फुल्ली मस्ती करते हुए। सो गाइज मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ मरीन ड्राइव के यहाँ पे और आप देख रहे हो यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए यहाँ से लेके वो लास्ट एंडिंग तक। सो गाइज मरीन ड्राइव छे, मरीन ड्राइव बट अभी सोच रहा हूँ वहाँ पे जाओ कि नहीं। जाऊँगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा बट नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी जाने का मन नहीं है। बारिश आता तो जाता बट अभी नहीं जा सकते भैया यहाँ से वहाँ। अरे नहीं लंबा हुआ भैया, नको नको जाए चाहिए, पाई तोड़े ना पाई तोड़े, आप लोग बगुड़े बने चिखड़ी है। तो सो गाइस अभी जाते हैं क्योंकि फिलहाल आप देख रहे हो वहाँ पर वो रहा, एक घंटा भैया, वो रहा गिरगांव चौपाटी। और फिलहाल यहाँ पे L&T कंपनी का काम चालू था, इसी वजह से दीवार का काम चालू था, इस वजह से हम लोग यहाँ से घूमते आ गए। ऐसा लग रहा था कि मरीन ड्राइव पूरी तरह से खो गया है, नहीं है दुनिया में, बट फाइनली मुझे मरीन ड्राइव यहाँ पे मिल ही गया। तो सो गाइस अब जाते हैं घूमते थोड़ा नज़ारा डिंग डोंग करी से। सो गाइस अभी नीचे जाते हैं और दिखाते आपको नज़ारे। चले चंगड़ो ये मोबाइल ना हो जाए मित्रा, मोबाइल पकड़ो अच्छे से। हाँ ब्रो। तो गाइस मैं फाइनली पहुंचेगा मरीन ड्राइव के यहाँ पे और पत्थर पे चढ़ रहा हूँ, बट मुझे आगे नहीं जाना है क्योंकि अगर जाऊँगा तो यहाँ पे पुलिस वाले आके उठा के ले जाएंगे मुझे और मैं नहीं जाना चाहता पुलिस के पास। तो सो गाइस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ये मरीन ड्राइव से, और मरीन ड्राइव से यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है बट अभी बारिश नहीं आया है। मचाई से देखे से लास्ट, सो गाइस आप देख रहे हो लास्ट वो कोना है, वो नरीमा पॉइंट है। और गाइस ये रहा L&T कंपनी का काम चालू था और इसकी वजह से हमें ऐसे गोल गोल घूमते हुए यहाँ पे आना पड़ा। सो अभी जाते हैं आगे और दिखाते हैं आपको नरीमा पॉइंट। तो गाइस कभी भी आओगे तो यहाँ पे बहुत संभालना क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है, पत्थर तो मजबूत है बट हमारे हड्डी बहुत कमज़ोर रहेंगे, हमें चोटें लग सकते हैं, इसका हमें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत गड्ढे है। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे गड्ढे भी है, कचरे भी है, वहाँ पे देख रहे हो गाइस वहाँ पे लोग बैठे हुए फुल इंजॉय कर रहे हैं। मचाई से पब्लिक, क्या बोलते हैं पब्लिक, मचाओ पब्लिक बोले से मचाई से, अपने में पब्लिक बोले से मचाई से, तो मचाई से सीधा बोली से। सो गाइस अब मैं जाता हूँ वहाँ पे क्योंकि अभी यहाँ हो गया है। सो गाइस मैं फाइनली मरीन ड्राइव पहुँच चुका हूँ और मरीन ड्राइव हेलो मूली बोले से, हेलो हेलो बोले से मूली, हेलो हेलो बोले से मूली। तो गाइज ये हम लोग अभी मरीन ड्राइव पहुँच चुके हैं और यहाँ पे वहाँ से देख रहे हो वो रहा नरीमा पॉइंट,
और वहाँ पे एरेंडा का ऑफिस वगैरह भी है और यहाँ पे ट्राइडेंट होटल भी है, बट वो नरिमा पॉइंट है। वहाँ से ऐसे 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 हो के ये रहा स्टॉप, यहाँ पे आपको स्टॉप रखना है क्योंकि आगे से एलएलटी कंपनी का काम चालू है, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम चालू है, इसकी वजह से वहाँ पर आपको रुकना है। और हम जाते हैं अभी यहाँ से ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ से एक्सप्लोर करने वाले हैं, सीधा हम वहाँ जाएंगे। तो सो गाइस अभी जाते हैं, तो चलिए। सो गाइस अगर बारिश अभी आने वाली है कुछ समय के बाद, यहाँ पर हमारे दादा जो भुट्टा बना रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक भुट्टा खा रही है, तो काफ़ी मज़ा करते हुए यहाँ हमारे पंडू रख वो साइकिल चला रहे हैं, यहाँ पे टू व्हीलर्स फोर व्हीलर यहाँ पे मचाते हुए, और सारे जितने भी मुंबई कर है या फिर जो टूरिस्ट है सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और फुल टू फील कर रहे हैं अच्छी खासी हवा का, क्योंकि कुछ समय के बाद बारिश इस पड़ू छे। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ नरिमा पॉइंट के यहाँ पे और वहाँ जाके थोड़ा देख के आते क्या क्या होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की जो पब्लिक है अभी बच चुके हैं घंटे है और बच चुके हैं 7:10 कम है, बट आज की पब्लिक उतनी कम नहीं है जितनी सैटरडे संडे को, तो बट सैटरडे संडे को ना यहाँ जो मरीन ड्राइव है ना पूरी तरह से भर जाता है और यहाँ की जो पब्लिक है ना पूरी क्रेज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको ना इंडिया वर्सेस आपको यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री के लोग भी दिखाई देते हैं, बट लेकिन मरीन ड्राइव पूरे मुंबई में पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसकी वजह से यहाँ पे लोग कुछ काम हुआ ना हो लेकिन मरीन ड्राइव लोग ज़रूर आते हैं और यहाँ पे मतलब आना भी ज़रूर समझते हैं, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट है ही है, हाउस मतलब फैमिली है तो आते हैं घूम फिर के मौज करते हैं, बट लेकिन सैटरडे ऐसे लग रहा है कि आज भी ना संडे है क्योंकि इतना हाउसफुल आपको यहाँ पे नज़र दिख रहा होगा, बट लेकिन आज मंडे है फिर भी पब्लिक आई हुई है। और जैसा मैंने अभी गिरगांव चौपाटी वहाँ पे गया था, बट मुझे दोपहर में वहाँ पे ना पब्लिक उतनी नहीं दिखाई दी जितने मुझे अब भी शाम के वक्त दिखाई दी, क्योंकि शाम के वक्त पब्लिक ना आती है क्योंकि कॉलेज से लोग छूट जाते सीधे घूमने के लिए आ जाते या फिर कंपनी से छूट जाते जॉब से छूट जाते लोग आते घूमने के लिए, ठीक इसी तरह यहाँ पे पब्लिक आते हुए और फुल टू मज़ा लेते हुए। गाइस मैं आपको और व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। गाइस आप जो सामने देख रहे हैं ये है वानखेड़े स्टेडियम है जो मरीना स्टेशन वेस्ट में है, बट इसका एक लाइट मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइस अगर आप मरीन ड्राइव में अगर सुबह भी आओगे शाम को भी आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पब्लिक मिलेंगे जो यहाँ पे दौड़ते हुए रनिंग करते हुए एक्सरसाइज करते हुए कई तरह के लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर मरीन ड्राइव में आप कभी भी आओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो बोलेंगे हम एनजीओ की तरफ से आए हैं हमें कुछ पैसे का सपोर्ट करना, बट मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, बट अगर आपको लगे तो आप ज़रूर सपोर्ट करना, चाहे वो 10 रुपये हो या फिर 5 रुपये हो सपोर्ट ज़रूर करना, बट वही समथिंग वट एवर जो भी है। और यहाँ पे मचाते हुए मरीन ड्राइव और हमारे एक सर है यहाँ पे डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद से रील्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे पता नहीं, बट हमारे एक सर है वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख रहे हो गाइस वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे सर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसकी वजह से हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इतनी सारी पब्लिक है यहाँ पे, इतनी सारी पब्लिक है यहाँ पे, अभी जाते आगे मचाई से आगे जाके उठे मचाई से इकड़े। तो गाइस ये रहा यहाँ पे बैठने का जगह है सोने का जगह है। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जल तो उजाला है फिर भी यहाँ पे पब्लिक कम है और थोड़ा सा रात हो जाएगा तो और पब्लिक यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्पेस खाली है यहाँ पे, ये पूरी तरह से स्पोर्ट्स भर जाएगा। और यहाँ पे हमारे आते हैं चाय वाले दादा, गाइस दिखाता हूँ ये हमारे चाय वाले दादा जो रात के समय भी चाय सिगरेट देना नहीं भूलते, क्योंकि जो सिगरेट चाय के दीवाने होते हैं उनको सिगरेट चाय यहाँ से जुगाड़ हो ही जाता है, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर। तो गाइस आप देख रहे हो ये सी, उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे जॉगिंग कर रहे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन हमारे जो सर जो मैडम है यहाँ पे बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो बारिश नहीं गिर रहा, जब बारिश गिर जाएंगे सब भाग जाएंगे यहाँ से, बट अभी आई होप गाइस कि अभी बारिश नहीं होना चाहिए,
करीब 2-3 घंटा तो बारिश ना हो अच्छा है, क्योंकि बारिश हो जाए तो मैं भीग जाऊंगा पूरी तरह से। तो गाइस अभी हमें जाना सीधा नरीमा पॉइंट के यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप अपना टू व्हीलर्स वगैरह बाइक वगैरह स्कूटी यहाँ पे लगा सकते हो, बट पता नहीं उसका चार्जेस वगैरह कुछ है कि नहीं, बट हमारे यहाँ टैक्सी दादा यहाँ पे खड़े है तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। ये इसका नाम केवल महल है और ये देख रहे हो आंकर स्टेडियम है। और जाते हैं आगे और दिखाते हैं व्यूज़ वगैरह। तो गाइस आइए यहाँ पे फुल एंजॉय कीजिए, मरीन ड्राइव कभी बंद नहीं होता, एंट्री फीस जीरो है, किसी प्रकार का आपको चार्जेस नहीं देना है, एक रुपये भी नहीं लगेगा। मरीन ड्राइव कैसे आना है, जैसे कि गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहे सेंट्रल लाइन हो, हर्बल लाइन हो या फिर वेस्टर्न लाइन कहीं भी हो, सबसे पहले आपको आना है चर्चगेट स्टेशन। चर्चगेट स्टेशन वेस्ट में आपको 5 या 10 मिनट आपको पैदल चलना है और सामने ही आ जाएगा मरीन ड्राइव। गाइस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अब्बा साहब गारवरे चौक, ये है अब्बा साहब गारवरे चौक, ये है, फिर उसके बाद ये अब्बा साहब गारवरे चौक, ये है। और यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है फुल टू एंजॉय कर रही है, यहाँ पे पब्लिक देख रहे हो, फिर उसके बाद वहाँ पब्लिक देख रहे हो, फिर उसके बाद यहाँ पे मेन रोड है, ये जो मरीन ड्राइव का मेन रोड यही है। और उसके बाद तो गाइस यहाँ से आप सीधा जाओगे तो आपको चर्चगेट स्टेशन आ जाएगा, वही 10 या 15 मिनट करीब लगता है चर्चगेट स्टेशन जाने के लिए। बट देखो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हर जगह हरियाली हरियाली छे, मतलब बारिश नहीं गिरा इसकी वजह से, देखो पेड़ पौधे भी यहाँ पे हरियाली है। गाइस मुझे फटाफट जो भी है फटाफट मुझे कमेंट करना और आपको वीडियो कैसे लगा, क्योंकि गाइस आगे भी इसी तरह के मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे भी जस्ट मैं पीछे था ना, वहाँ पे उतनी पब्लिक नहीं दिखाई दे रही, बट यहाँ पे पब्लिक रास्ते पे भी दिखाई दे रही है, प्लस वहाँ पे भी बैठी है रास्ते पे दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप टू व्हीलर गाड़ी वगैरह पार्किंग कर सकते हो, बट मुझे नहीं पता BMC पार्किंग वहीं रहेगी नहीं, बट वो आपके रिक्स के ऊपर है। और यहाँ पे पब्लिक बैठ चुकी है, आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे पब्लिक बैठ चुकी है, और यहाँ पे तो पूरा हाउसफुल, ऐसा लग रहा है पूरा मुंबई उठ के यहाँ पे आ गया ऐसा मुझे लग रहा है। क्या लिखा वो चर्चगेट स्टेशन हम आ गए, जिसका नाम है सीताराम देवरा चौक है। और यहाँ पे 4 व्हीलर्स गाड़ी जाते हुए है, और यहाँ पे सीधा हम लोग भी जाएंगे नरीमा पॉइंट के। यहाँ पे जो सामने दिख रहा है वो है नरीमा पॉइंट। I hope you don't make the same mistakes when you blow the flame. हाँ देखो आप देख रहे हो छोटा सा यहाँ पे पेट एनिमल्स आया, जो हमारे अंकल जी अपने साथ लेके जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब इसको भी घुमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये kind of obsessive to me. You're kind of too strong on your feet. I can't say that I guarantee. वो दिख रहा है आपको वो पक्षी जैसा, वो एयर इंडिया है, और उसके बाद जो मैं जस्ट ट्राइडेंट होटल है और वहाँ पे उसके बाद। तो गाइस वो रहा बस, वो टू व्हीलर बस है जो पूरे मुंबई के दर्शन कराती है, उसका नाम है विभावरी, यही बस है जो पूरे मुंबई दर्शन कराती थी, हेरिटेज ऑफ जर्नलिस्ट है बट इसका। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नरीमा पॉइंट के यहाँ पे, आप देख रहे हो मेरे यहाँ सामने ही नरीमा पॉइंट है और मरीन ड्राइव है, लोग बैठे हुए यहाँ पे इंजॉय करें। तो चल अब ये गाड़ी देख रहे हो, आज से कुछ दिन पहले अक्षय कुमार सर संडे को यहीं आए थे, यहाँ पे उनका कुछ फंक्शन था मुंबई के बारे में, तो ये वो गाड़ी है, ये वो गाड़ी है ये।
तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले अक्षय कुमार सर यहीं आए थे और यहाँ पे कुछ उनका ना अक्षय कुमार सर मुंबई पुलिस का कुछ फंक्शन था और फंक्शन की वजह से अक्षय कुमार सर यहीं आए थे और आपको जो मैंने अभी दिखाया था गाड़ी अक्षय कुमार सर उसी में बैठ गए ना, उनका सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया हुआ था और उनका फ़ोटो मैंने देखा था और मुझे याद है कि अक्षय कुमार सर यहीं आए थे क्योंकि वो मरीन ड्राइव ही था। तो गाइस मैं वहाँ जा रहा हूँ, एंडिंग में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाया था गिरगा चौपाटी का पीछे वाला सीन, अब मैं जा रहा हूँ आगे वाला सीन जहाँ पे नरीमा पॉइंट है और आपको मैं दिखाता हूँ। और गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मरीन ड्राइव पे आओगे तो यहाँ पे वॉशरूम का भी सुविधा है, आप यहाँ पे मतलब यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये आप देख रहे हो ये वॉशरूम है। सो गाइस ये वॉशरूम है, यहाँ पे पब्लिक ने लाइन लगाया हुआ वॉशरूम करने के लिए और यहाँ पे भी कुछ समथिंग कुछ यहाँ पे बनने वाला है। और आप वो ऊपर देख रहे हो वो है एयर इंडिया का ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस है वो, ट्राइडेंट होटल है जो टी लिखा हुआ रेड कलर का वो। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे लिखा क्लीन अप, मतलब बीएमसी ने यहाँ पे कचरा का मतलब यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है, मतलब गीला कचरा सूखा कचरा आप डाल सकते हो, आपको मरीन ड्राइव पे गंदा नहीं करना है, कचरा आपको उस डस्टबिन में वहाँ पे रखना है जो सामने जो डस्टबिन है वो। और हमारे यहाँ पे दादा बैठे हुए पुलिस वाले। सो गाइस ये रहा एयर इंडिया, फाइनली मैं पहुँच चुका एयर इंडिया के पास और एयर इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस यहाँ पे है। और ये रहा एयर इंडिया और आप देख रहे हो यहाँ पे सिग्नल है, ये सिग्नल है, यहाँ पे सिग्नल अभी लगा हुआ है। और आप देख रहे हो गाइस कि मरीन ड्राइव है, जब नरीमा पॉइंट आप मरीन ड्राइव से लेके आप नरीमा पॉइंट आओगे तो आपको यहाँ पे ऐसे पेड़ नज़र आएंगे जो सामने पेड़ लगे हुए। हमारे यहाँ पे एक भाई आए आज मचाने के लिए, आए यहाँ पे मचाई से और मरीन ड्राइव आए घूमने के लिए। तो ब्रो कैसा लग रहा है मरीन ड्राइव आके यहाँ पे? गर्मी दूर हो रही है, हवा। कहाँ से आए ब्रो आप लोग? हम लोग मरीन ड्राइव से, कुलाबा से। अच्छा मतलब कुलाबा में रहते हो? हाँ। तो गाइस ये लोग कुलाबा में रहते हैं और यहाँ पे डेली वॉक करने आते हैं, यहाँ पे कुछ करते नहीं उसके अलावा पढ़ाई। फोन आ रहा है, चंगड़ू का फोन आ रहा है इसीलिए। तो गाइस अभी लोग मचाते रहते हैं, अभी मैं हेलो ब्रदर, या हमारे ब्रदर है कुछ बोलना चाहते। सो गाइज हमारे एक सर मुझे यहाँ पे मिले जो मुंबई वाले में कुछ बताना चाहते हैं, तो चलिए गाइज अभी मिलते सर के पास। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश गायकवाड़ है। मराठी मानो जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो सर आप कहाँ पे घूम रहे हो, कहाँ पे आए थे आप? एक्चुअली मैं जॉब वाला इथेच आहे, चर्चगेटला। चर्चगेटला जॉब करता? हाँ जॉबला। वेस्टर्न रेल्वे मध्ये ऍज अ ड्रायव्हर म्हणून जॉब करतो। तर आता मी रोज संध्याकाळी ह्या टायमिंगला मरीन ड्राइवला राऊंड मारतो नेहमी। त्या मरीन ड्राइवची अशी खासियत आहे की सगळे म्हणजे छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत खूप आनंदाने ह्या समुद्राची मजा घेत असतात। आम्ही हा रोजचा माझा कार्यक्रम आहे, मी रोज 6:30 येतो। त्याचप्रमाणे आपल्या इकडे IAS IPS सगळे लहानपासून मोठे ह्या टायमिंगला नेहमी ह्या टायमिंगला फिरत असतात, मजा करत असतात, हाँ मजा करत असतात, मस्ती करत असतात। आणि तुम्ही इकडे दररोज येता, तुम्ही इकडे शूटिंग वगैरे पाहिला असेल ना? मूवीची शूटिंग धर्मवीरची शूटिंग चाललेली लास्ट टाइम ठाणे, लास्ट टाइम धर्मवीर मूवीची शूटिंग चाललेली। आता परत वेब सिरीजही खूप होत असतात। नक्की नक्की तुम्ही एकदा या मरीन ड्राइवला, खूप खूप सारे तुम्ही बघू शकता, आमच्या मागे खूप सारी लोक आहेत, बघू शकता तुम्ही सगळा क्राऊड बघा, तुम्ही बघू शकता इथे प्रत्येक, म्हणजे इकडे ना तुम्हाला सर्व याचे भेटेल, लहान लहान ते मोठे सगळे इकडे भेटेल, बसलेले सर्व इकडे एन्जॉय करत आहेत। आणि आपले दादा पण इकडे आले, दादा इकडे दररोज येतात, दररोज येतात, काय काय जण इकडे दररोज येतात, काय काय जण लांबवरून येतात, बरोबर, वेस्टर्न सेंटर हर्बन असे तीन लाईन मध्ये येतात असे इकडून। आणि दादा अजून काय सांगणार तुम्ही? अजून काय, मुंबईत या, मुंबई बघा, समुद्र, गिरगाव चौपाटी आहे नियर बाय,
पुन्हा वरली नेहरू सायन्स सेंटर्स बघा, समोर जवळच मरीन लाईनच्या थोडं पुढे आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही इथे नेहरू प्लॅटिनियम बघू शकता, म्हणजे ह्या बाई नियर बाय जवळजवळ खूप आहे. नरीमन पॉइंट हा शेवटचा टोक आहे. गेट ऑफ इंडिया एलिफंटा इथून हार्डली तुम्ही जर ट्रॅव्हल केलं बसने तर 10 मिनिटाचा सुद्धा रस्ता नाही आहे, 10 मिनिट्स ओनली फ्रॉम. तुम्ही इकडे मुंबई दर्शन करू शकता का? भीतीची काय गोष्ट नाही, काय नाही, बिंदास येऊ शकता. अर्ध्या रात्री सुद्धा मुंबई ऑलवेज वेलकम आहे, तुम्ही कधीही या, मुंबई तुमच्यासाठी ऑलवेज वेलकम. तर गाईज, आमचे दादा इकडे आले होते आणि दादाने आम्हाला सांगितलं मुंबई दर्शन तुम्ही कसे काय करू शकतात. तर दादांना मी थँक्यू बोलतो. जे हे व्हिडिओ बघत असेल, ज्यांना हे व्हिडिओबद्दल काय माहिती नसेल, हे व्हिडिओ बघून तुम्हाला माहिती पडेल की तुम्ही मरीन ड्राइव्ह कसं येऊ शकतात आणि इकडे काय काय आहे आणि काय काय फॅक्ट्स आहे तुम्हाला सर्वच माहिती. सो गाईज, अभी अंधेरा होने आ रहा है, उससे पहले मुझे आपको दिखाना है नरीमा पॉइंट का एंडिंग में लेके जाना है. तो अभी फटाफट जाते हैं यहाँ से क्योंकि अपने पास अभी टाइम नहीं है और घर पे फटाफट भागना है. तो सीधा अभी भागते हैं नरीमा पॉइंट के यहाँ पे. तो चलिए बाय. तो कभी अगर आप मरीन ड्राइव में आओगे तो यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो भाई साहब होते हैं वो चाय वाले हैं. दूसरे हमारे ये खटमुटिया देखो गाइस, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये खट्टा चीज़ें आपको मिलता है 10 रुपये 20 रुपये का जो भी है मिलता है. तो ये रहा, खा सकते हो आप यहाँ पर. और यहाँ पे चाय कॉफ़ी के जो आपको 10-20 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा, जो हमारे भाई साहब यहाँ पे लगाया हुआ है. ये पानी है जो आप, हेलो ब्रदर, कैसे पानी देते हो आप ये? तो गाइस, ये बिस्लेरी का पानी 20 रुपये का है. गेर से देखना इस पानी को. तो गाइस, ये हमारे पोरे के जो कॉफ़ी बना रहे हैं यहाँ पे. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when I try? I wish I'd find. Oh, तो गाइस, तो सामने देख रहे हैं ना, वो है एनसीपी. यहाँ पे बहुत बड़ा थिएटर है और जैसे कि आपने, आपको पता होगा कि अंधेरी स्टेशन वेस्ट में ना पृथ्वी थिएटर है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एनसीपी थिएटर है, जो यहाँ पे ड्रामा किया जाता है और यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते रहते हैं. ये रहा नरीमा पॉइंट, यही है हमने लिखा है, वो लिखा हुआ नेशनल सेंटर परफ्यूम आर्ट्स है, ये एनसीपी है और जस्ट उसके सामने ही नरीमा पॉइंट है. और नरीमा पॉइंट का ये एंडिंग हो चुका है, बट यहाँ पे पुलिस ने पूरी तरह से इसको बांधा हुआ, क्योंकि यहाँ के पब्लिक वहाँ नहीं जा सकती, इसके वजह से ना पुलिस ने इसको बांध दिया. तो गाइस, मैं अभी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से लॉक कर दिया है, इसको पूरी तरह से बांध दिया है. और गाइस, ये दिखाना चाहता हूँ, ये है नरीमा पॉइंट का एंडिंग. मैंने स्टार्ट किया था गिरगा चौपाटी के वहाँ से, उधर है गिरगांव चौपाटी, उसके बाद ये सर्कुलेशन में यहाँ पे आता है और यहाँ पे बंद है पूरी तरह से. सो गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही है वो रोड जहाँ पे मुन्ना भाई MBBS मूवी की शूटिंग यही हुआ था. और यही है गाइस वो चीज़ है. और यहाँ पे देख रहे हो कि गाइस, वहाँ पे एक बोट चलते, मतलब वहाँ पे एक शिप चल रहा है, नाव चल रहा है. और ये यहाँ पे सो गाइस, मैंने आज आपको दिखाया था गिरगा चौपाटी, दिखाया मरीन ड्राइव, दिखाया उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि नरीमा पॉइंट. गाइस, आपको मैंने आज 3-4 लोकेशन का मैंने एक्सप्लोर वीडियो बना दिया और मैंने ये भी बता दिया कि आपको गिरगा चौपाटी कैसे आना है, मरीन ड्राइव कैसे आना है और नरीमा पॉइंट कैसे आना है. गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चंडीरो स्टेशन पर उतर जाओगे तो आपको तीनों प्लेस मिल जाएंगे, गिरगा चौपाटी भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको मरीन ड्राइव भी मिल जाएगा, नरीमा पॉइंट भी मिल जाएगा. तीनों प्लेस एक ही जगह है, बस थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा वही है. तो आई होप गाइस की वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज गाइस नीचे देखे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा. तो गाइस, काफी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया. तो गाइस, फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ. और गाइस, मुझे कमेंट जरूर करना कि आप नेक्स्ट टाइम कौन सा ब्लॉग वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा हो चुका है. और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ. तो